शांति और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा के दिन संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। गुड़ी पड़वा से सनातनी हिंदू अपना नव वर्ष प्रारंभ करे पंडित मेवालाल जी। गायत्री परिवार अंचल के तत्वाधान में सनातनी हिंदू समाज के सहयोग से स्थानीय जटाशंकरी चौक में गुरुवार रात्रि को आओ मनाए हिंदू नव वर्ष विषय पर क्षेत्र के प्रसिद्ध वक्ता एवं महान चिंतक पंडित मेवालाल पाटीदार गायत्री धाम सेंधवा ने अपने सारगर्भिक ओजस्वी उद्बोधन दिया। उन्होंने बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को संपूर्ण सृष्टि का उदय हुआ था, अतः इस दिन से प्रत्येक सनातनी हिंदू को अपना नव वर्ष प्रारंभ करना चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि हिंदू अपना हर शुभ कार्य, चाहे विवाह हो, वास्तु पूजा हो, घर दुकान कारखाना लगाना हो या गाड़ी लाना हो, वह मुहूर्त यानी पंचांग देख कर करता है। यह पंचांग सूर्य चंद्रमा और नक्षत्रों की गणना कर बनाई गई है। फिर सनातनी हिंदू अपना नया वर्ष इस पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा पर क्यों भूल जाते हैं, जबकि गुड़ी पड़वा पर सृष्टि का निर्माण हुआ है। अतः प्रत्येक सनातनी को गुड़ी पड़वा पर्व से ही अपना नूतन वर्ष मनाना चाहिए। केक काटना व मोमबत्ती बुझाना भारतीय संस्कृति की परंपरा नहीं है। हमारी संस्कृति हमें सृजन करना और प्रकाश करना सिखाती है। इसलिए जन्मदिन को, विवाह दिवस हो या कोई भी शुभ कार्य हो, दीपक जलाकर प्रारंभ करना चाहिए। अभी संवत 2079 प्रारंभ हो रहा है। यह संवत्सर प्रभु श्री रामचंद्र व हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है, जिसे राजा विक्रमादित्य ने लागू किया। पंडित जी ने इतिहास बताते हुए कहा कि इस देश पर मुगल आक्रांताओं और अंग्रेजों ने हिंदुओं की आपसी फूट का फायदा उठाकर हजारों वर्षों तक भारतवर्ष पर राज किया। मुगलों ने अपने आतंक के बल पर हिंदुओं से धर्म परिवर्तन भी करवाया। जो डरपोक व कायर थे, उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, किंतु वीर शिवाजी महाराणा प्रताप, झांसी की रानी जैसे साहसी सनातनियों ने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहूत करना पसंद किया। कार्यक्रम के शुरुआत में पंडित मेवालाल जी ने उपस्थित सभी समाज प्रमुखों का तिलक एवं केसरिया दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। शिवराम पाटीदार, अनिल भावसार, गणु भावसार एवं हीरालाल पाटीदार ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीत सुनाए। अंत में सभी उपस्थित जनों ने दीप जलाकर भारत माता की आरती की। स्वागत उद्बोधन डॉक्टर एलन वडनेरे व जगदीश एग्रो ने दिया तथा आभार ओम प्रकाश खंडेलवाल तथा संचालन माधव पाटीदार ने किया। आयोजन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं ग्रामीण अंचलों से लोग उपस्थित हुए। नंगे आदमी को कपड़ा देने वाली थी, सड़कों पे सोने वाली को छत देने वाली थी। उसी का परिणाम था कि हमारे देश को विभिन्न, चाहे वो अमेरिका से आए हो, चाहे यूरोप से आए हो, चाहे लंदन डेनमार्क से आए हो, चाहे विश्व के किसी कोने से व्यक्ति आया हो, भारत माँ थी माँ। आज तक 24 न्यूज चैनल के लिए जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी के। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।